दोस्तों, आपने अक्सर जम्मू और कश्मीर को आतंकवादी गतिविधियों के बारे में सुना है। अब ये जम्मू कश्मीर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान न तो श्रीनगर बंद हुआ और न ही कोई पत्थरबाजी की घटना हुई, न ही किसी अलगाववादी ने देशद्रोह, अलगाववाद और शांति भंग करने की कोशिश की। इसके बजाय शहर शांत हो गया है और गतिविधियों से भरा हुआ है। इसने अपना खोया हुआ कश्मीर वापस पा लिया है और इस साल मई में G20 बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है। शहर भर में 80 से अधिक निर्माण परियोजनाएं चल रही हैं। श्रीनगर का कायाकल्प किया जा रहा है क्योंकि प्रमुख सड़कें, रास्ते, साइकिल ट्रैक और ड्रेनेज सिस्टम आदि का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। एक बार काम पूरा हो जाने के बाद यह जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी को बेहतर सुविधाओं और स्वच्छ वातावरण के साथ एक नया रूप देगा। अधिकारियों के अनुसार परियोजना के लिए कुल बजट 3000 करोड़ रुपए है। 2000 करोड़ रुपए विभिन्न परियोजनाओं पर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहयोग से काम कर रहे हैं। लाइन विभागों को पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास लगभग 1000 रुपए की बजट है। इस परियोजना में आईटी से संबंधित हस्तक्षेपों, शहरी गतिशीलता को बढ़ाने और पूरे शहर में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के उन्नयन पर केंद्रित कई पेन सिटी परियोजनाएं शामिल हैं। श्रीनगर एक उजाड़ शहर से एक जीवंत व्यापक केंद्र में परिवर्तन इस बात का संकेत है कि J&K सामान्य स्थिति लौट आई है, जिसने 3 दशकों तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को देखा है। 1990 से लेकर 2019 तक शहर के बीचों बीच लाल चौक सहित श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कई मुठभेड़ भी हुई। आतंकवादियों ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर आत्मघाती हमले, ग्रेनेड फेंककर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी को तबाह करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार ने अतीत के निशान मिटाने पर काम शुरू कर दिया है, क्योंकि अब कई ट्रेडी मॉल आ गए हैं, पुरानी संस्थाओं का जीर्णोद्धार और नवीकरण किया गया है। एक शांतिपूर्ण और पुनरुत्थानपूर्ण श्रीनगर हजारों की संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है, जो बदले में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत जरूरी बढ़ावा दे रहा है। विशेष रूप से श्रीनगर ने नवंबर 2021 में शिल्प और लोक कला श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी UCN में एक स्थान अर्जित किया। यह सम्मान अर्जित करने के लिए दुनिया भर में 49 की सूची में भारत एकमात्र शहर था। 2021 तक कुल 246 शहर इस नेटवर्क का हिस्सा थे। विचार ऐसे शहरों का निर्माण करना है जो लचीले, टिकाऊ और भविष्य के अनुकूल हो। श्रीनगर स्थानीय स्तर पर सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2023 के एजेंडे का समर्थन कर रहा है। जाहिर है, 7 लंबे दशकों के लिए श्रीनगर को नए रूप की अवधारणा, जेब्रा क्रॉसिंग को पेंट करने, इधर उधर कुछ स्ट्रीट लाइट लगाने और पुराने फुटपाथों की मरम्मत करने की इर्द गिर्द घूमती रही। इसके बजाय कोई भी काम नहीं हुआ। ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने, अंडरग्राउंड बिजली केबल बिछाने और अन्य जरूरतों को पूरा करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन छोटी छोटी मरम्मतों को वार्षिक दरबार मूव से पहले किया गया था, जब राजनीतिक शासकों को गर्मी के महीने में सरकार चलाने के लिए श्रीनगर आना पड़ता था। 150 साल पुरानी दरबार मूव प्रथा की शुरुआत 1872 में महाराजा रणबीर सिंह ने की थी। इसी को ग्रीष्मकालीन राज्य कहा जाता है। सरकारी अधिकारियों द्वारा 6 महीने के लिए श्रीनगर और जम्मू के बीच राजधानियों को हस्तांतरित करने की प्रथा को 2021 में वर्तमान व्यवस्था द्वारा समाप्त कर दिया गया था। पूर्व राजनीतिक शासकों ने एक धारणा बनाई थी कि सर्दियों के महीने के दौरान कश्मीर में कुछ भी नहीं किया जा सकता है और सरकार चलाने के लिए जम्मू में जाना ही एकमात्र विकल्प था, लेकिन भीषण गर्मी से बचने के लिए वे गर्मी के महीनों में आराम से काम करने के लिए जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट हो जाते थे। 2023 के अंत तक श्रीनगर में एक नई बुलेवार्ड रोड होगी। वहीं डालगेट से डल झील के साथ प्रसिद्ध मुगल गार्डन निशान तक की सड़कें इसमें रास्ते, साइकिल ट्रैक और संशोधित जल निकासी प्रणाली, वाईफाई जोन, इसके साथ बहुत कुछ होगा। इन विकास परियोजनाओं पर अधिकतम काम सर्दियों में किया गया था और वसंत में पूरा होने के लिए तैयार है। जिन महीनों को 2019 तक राजनेताओं द्वारा वर्ष का सबसे अनुपादक अवधि घोषित किया गया था, वे श्रीनगर लोगों के लिए सबसे अधिक उत्पादक साबित हुए हैं। श्रीनगर बद्ध स्थित पोलो व्यू बाजार में काम चल रहा है और इसके पूरा होते ही यह बाजार कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी का विरासत बाजार बन जाएगा। श्रीनगर शहर के इकोनॉमिक केंद्र लाल चौक का भी कायाकल्प हो रहा है। ऐतिहासिक घंटाघर, क्लॉक टावर, जीर्णोद्धार के बाद महत्वपूर्ण अपडेट के लिए नई समय घड़ियां, नई छत की सजावट और नई तकनीक का डिस्प्ले मिलेगा। कभी आतंक का गढ़ रहा श्रीनगर संविधान में एक अस्थायी प्रावधान धारा 370 को निरस्त करने के बाद
नया जम्मू और कश्मीर के प्रतीक के रूप में उभरा है। जिस तरह से सरकार की ओर से पहल की गई और स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, ऐसे में जम्मू और कश्मीर सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं।